हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सुनील ट्यूटोरियल और मैं हूं सुनील। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एनिमेटेड मैसेज बबल्स क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो भी फिल्मोरा 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको उस फुटेज को अपने टाइमलाइन में ऐड कर लेना है जिस पर भी आप ये मैसेज बबल ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आपको टाइल्स में जाना है और कोई सा भी टाइल सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहां से फर्स्ट वाला टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको इस टाइटल को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इस पर डबल क्लिक कीजिए और एडवांस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करके एडवांस एडिट पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां से इन सभी को डिलीट कर देना है और यहाँ ऐड शेप पर क्लिक कीजिए। यहाँ से सेकंड शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको टेक्स्ट कलर को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पर इसे व्हाइट रहने देता हूं और इसके बॉर्डर को अनचेक कर देना है आपको। उसके बाद यहां पर आइए नीचे। उसके बाद इस शेप के ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, लगभग 40 के करीब। इससे आपका जो शेप है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद यहां से शेप बॉर्डर को आपको ऐड कर देना है 2%। उसके बाद यहां से आपका टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा और देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप बॉर्डर चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर डाल सकते हो, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते। उसके बाद आपको इस शेप को सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाना है। इसमें आपको टाइपराइटर वाले एनिमेशन को ऐड कर देना है और इसके स्टार्ट पॉइंट को यहां पर कर दीजिए। उसके बाद इसके एंड एनिमेशन को एकदम एंड कर दीजिए। उसके बाद अगर आप इसे प्ले करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बट मैं इसके टेक्स्ट के कलर को रेड करना चाहता हूँ, तो ऊपर चलते हैं और इसके टेक्स्ट के फिल को रेड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम ऐड करना है, तो उसके लिए एक टेक्स्ट क्रिएट कीजिए और इसके टेक्स्ट कलर को वाइट कर दीजिए और यहां पर आपको टाइप कर देना है टाइम। उससे पहले आपको डबल स्लैश लगाना है, स्पेस देना है, उसका टाइम ऐड कर दीजिए। जैसे मैं ये वीडियो 12:34 AM पे शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12:34 स्पेस AM। उसके बाद आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो और आप इसके हाइट को एडजस्ट कर लीजिए और इसे इस तरह से प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस टाइटल को थोड़ा सा पीछे कर देना है जिससे हमारे स्टार्टिंग में ये शो ना हो कुछ इस तरह से। उसके बाद आप इसे प्ले कीजिए तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही ये टेक्स्ट कंप्लीट हो रहा है टाइप होना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि ये यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया वीडियो ट्रैक ऐड करना है। उसके बाद इस टाइटल को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद इस थर्ड वीडियो ट्रैक को सिलेक्ट कीजिए और इसे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड टाइटल पर राइट क्लिक करना है, एडवांस एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दीजिए और थोड़ा सा राइट की ओर पुश कर दीजिए और इसको थोड़ा सा इस साइड कर दीजिए। और यहां पर आपको इस टाइम को भी इस तरह से ड्रैग करके यहां पर डाल देना है। उसके बाद टाइम के सेकंड में चेंजेस कर दीजिए।
अब इसके कलर को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल में रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो मैं इसमें टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ और सेप फिल को मैं लगभग रेड के करीब कर दूंगा। कुछ इस तरीके से उसका ओके पर क्लिक कर दीजिए। अगर अभी मैं इसे प्ले करके देखूं, देखिए ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको इस लेयर को डुप्लीकेट करना है, ऊपर डालना है और नीचे डालना है। इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। मैं एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इसे कॉपी कीजिए, एक नया वीडियो ट्रैक ऐड कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कीजिए और राइट क्लिक करके एडवांस में जाइए और इस शेप को नीचे कर दीजिए एकदम। उसके बाद इस टाइम को सिलेक्ट करके नीचे कर दीजिए और यहां से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसका ओके पर क्लिक कीजिए और एक्चुअली मैं इसमें टेक्स्ट को चेंज करना भूल गया था, तो मैं यहां से चेंज कर लेता हूं। यहां पर मैं टाइप करता हूं आई एम फाइन, उसका तो ओके। उसके बाद ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और इसी तरीके से आप भी इसे अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @MrShivakumar। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।